कैसा लगेगा अगर आप सुबह उठकर आसमान पर एक नहीं बल्कि तीन सूरज उगता हुआ दिखे तो? सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नज़ारा हमारे ब्रह्मांड के किसी प्लेनेट पर देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है, बल्कि वो हमारे सोलर सिस्टम के बहुत ही करीब मौजूद है। तो ऐसा ही प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर वैज्ञानिकों की हैबिटेबल प्लेनेट की खोज ने हम इंसानों को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी से रूबरू करवाया। ट्रिपल स्टार सिस्टम वाला अल्फा सेंटोरी हमारी धरती से 4.3 लाइट ईयर दूर मौजूद एक ऐसा स्टार सिस्टम है जो हम इंसानों के लिए दूसरे घर के रूप में सबसे सुइटेबल चॉइस है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं हमारी इसी सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम की एक एडवेंचर भरी जर्नी पर। ट्रिपल स्टार सिस्टम वाले इस सिस्टम में पहुंचते ही हमारे सामने सबसे पहले आता है इसका पहला स्टार अल्फा सेंटोरी ए, जिसे ऑफिशियली रिगिल केंटोरस कहते हैं। हमारे सूरज से डेढ़ गुना ज्यादा चमकीले इस तारे का मास सूरज का 1.1 टाइम ज्यादा है। हमारे सूरज की तरह ही जी कैटेगरी में आने वाला ये येलो ड्वार्फ तारा आकार में हमारे सूरज से 25 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस पीले तारे का तापमान हमारी सूरज के तापमान के बराबर ही है। इसका तापमान 5790 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इस तारे से आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने आता है स्टार सिस्टम का दूसरा तारा अल्फा सेंटोरी बी, जिसे ऑफिशियली टोलीमैन नाम से जाना जाता है। अपने साथी तारे अल्फा सेंटोरी ए से छोटा और 0.90 सोलर मास वाला ये ऑरेंज स्टार हमारे सूरज की तरह जी कैटेगरी का स्टार ना होकर K2 कैटेगरी का स्टार है। इस ऑरेंज ड्वार्फ स्टार की चमक हमारे सूरज के मुकाबले 0.44 है और इसका टेम्परेचर 5260 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस स्टार सिस्टम का तीसरा तारा अल्फा सेंटोरी सी की। हमारे सूरज से 7 गुना छोटा ये सितारा हमारे सोलर सिस्टम के जुपिटर से 1.5 गुना बड़ा है और सूरज के बाद धरती का सबसे नजदीकी तारा है। अपने साथी तारों के मुकाबले धरती से नजदीक होने के बावजूद भी आप इस तारे को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप इसके दोनों साथी स्टार्स को खुली आँखों से देख पाओगे। अल्फा सेंटोरी ए और बी के धरती पर दिखाई देने के पीछे का कारण है इनकी चमक। इन दोनों तारों की चमक अल्फा सेंटोरी सी से ज्यादा है। इसके अलावा अल्फा सेंटोरी ए और बी अपने तीसरे साथी सी से बहुत अलग है, क्योंकि ये दोनों मिलकर अल्फा सेंटोरी ए बी बाइनरी स्टार सिस्टम का निर्माण करता है, यानी कि ये दोनों कॉमन बैरिसेंटर के अराउंड ऑर्बिट करता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हम इन दोनों तारों को धरती से साफ आसमान में खुली आंखों से देख पाते हैं। तो हमें ये दोनों तारे एक ही जगह पर एक दूसरे के आगे पीछे दिखाई देता है, लेकिन जब हम इन्हें दूरबीन की मदद से देखते हैं तो ये दोनों हमें एक दूसरे से थोड़ी दूर दिखाई देता है। इन दोनों तारों का एपियरेंट मैग्नीट्यूड -0.27 है, जो ये बताता है कि ये तारे हमारी धरती पर दिखने वाले थर्ड ब्राइटेस्ट स्टार है। इन दोनों तारों का ऑर्बिटल टाइम पीरियड 79.91 साल है और ये ऑर्बिट करते समय इनका क्लोजेस्ट अप्रोच 1.6 बिलियन किलोमीटर है, जो हमारे सूरज और सैटर्न के बीच की दूरी का बराबर है। वही बात अगर अल्फा सेंटोरी के तीसरे स्टार यानी प्रोक्सिमा सेंटोरी की करे तो इसकी हमारी धरती से दूरी 4.27 लाइट ईयर है। अब इन तीनों स्टार्स की हमारी धरती से दूरी देखकर आप ये समझ चुके होंगे कि प्रोक्सिमा सेंटोरी भले ही हमारी धरती से नजदीक हो, पर वो अल्फा सेंटोरी ए और बी से दूर है। प्रोक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी ए और बी के बीच की दूरी 0.2 लाइट ईयर्स है। अब अल्फा सेंटोरी ए और बी और प्रोक्सिमा सेंटोरी बीच की इतनी दूरी देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अल्फा सेंटोरी ए बी और प्रोक्सिमा सेंटोरी के बीच इतनी दूरी होने के बावजूद क्या ये तीनों एक दूसरे के हिस्सा है? दरअसल प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी के दोनों स्टार्स के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है और ये इसीलिए ये दोनों स्टार्स के अराउंड घूमता रहता है। इसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड 5,55,000 साल है। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के अलावा इस सिस्टम के अल्फा सेंटोरी सी को ऑर्बिट करने वाले दो प्लेनेट की भी खोज हो चुकी है। इस स्टार सिस्टम के सबसे पहले प्लेनेट की खोज साल 2016 में हुई है और इसका नाम रखा गया प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। ये प्लेनेट हमारी धरती की तरह सॉलिड सरफेस वाला प्लेनेट है। जो धरती से 1.17 गुना ज्यादा मास वाला ये प्लेनेट अपने होस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी से 75 लाख किलोमीटर दूरी पर मौजूद है।
जो सूरज और बुध के बीच के दूरी से भी कम है। इतनी कम दूरी होने के कारण इस ग्रह का ऑर्बिटल टाइम पीरियड सिर्फ 11 दिन का है। प्रोक्सिमा बी के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से हैबिटेबल जोन में है, यानी ये ठीक उसी कंडीशन में है जिस तरह हमारी धरती और सूरज है। इसका मतलब प्रोक्सिमा बी पर जीवन की पूरी संभावनाएं हैं। अपने तारे से इतने नजदीक होने के बावजूद ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आता है क्योंकि इसका होस्ट स्टार एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो येलो ड्वार्फ स्टार से कम गर्म होता है। हमारा सूरज एक येलो स्टार है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा गर्म है और इसी के चलते ये अपनी एनर्जी बहुत जल्दी लूज कर देता है। और इसीलिए जहां सूरज जैसे येलो ड्वार्फ स्टार 10 बिलियन साल तक ही जीता है, तो वही प्रोक्सिमा सेंटोरी जैसे स्टार्स ट्रिलियन साल तक जी सकता है। मतलब एक येलो स्टार के हैबिटेबल जोन में आने वाले प्लैनेट पर किसी भी तरह के लाइफ के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनने में 5 से 10 बिलियन साल लग जाता है। वही प्रोक्सिमा सेंटोरी जैसे स्टार के केस में कई ट्रिलियन साल मिलता है जो यहाँ पर जीवन की संभावना को और ज्यादा बढ़ा देती है। कई सारे रिसर्च में ये सामने आया है कि इस प्लैनेट के बैलेंस टेम्परेचर के कारण यहाँ पर पानी और जीवन दोनों ही हो सकता है, लेकिन जीवन की संभावना के विपरीत यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज ये भी है कि ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से इतने नजदीक होने के कारण हमारे चांद की तरह टाइडली लॉक भी हो सकता है। चांद के लॉक होने के कारण हमें धरती से हमेशा चांद की सिर्फ एक साइड ही दिखाई देती है, और अगर प्रोक्सिमा बी भी इसी तरह लॉक्ड हुआ तो इसके एक तरफ हर समय टेम्परेचर हाई रहेगा और दूसरी तरफ हमेशा बर्फ जमी हुई रहेगी। अब यहाँ पर ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि स्थिति में यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, तो हम आपको बता दें कि इस ग्रह पर इस कंडीशन में भी लाइफ पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इन दोनों टेम्परेचर के बीच इस प्लैनेट पर एक जगह ऐसा भी होगा जहाँ पर टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। और अगर इस ग्रह पर ऐसा कोई जगह होती है तो यहाँ पर पाई जाने वाली हर चीज काले रंग की होगी क्योंकि इस तरह की जगह पर बहुत ही कम मात्रा में लाइट आती है और यहाँ पर रहने वाले हर ऑब्जेक्ट को हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए काले रंग का होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो लाइफ कुछ इस तरह दिखेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी के दूसरे प्लैनेट के बारे में। इस प्लैनेट को साल 2020 में कंफर्म किया गया था। धरती से 7 गुना भारी ये प्लैनेट नेपच्यून की तरह गैस जायंट है जो अपने होस्ट स्टार से 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ये प्लैनेट अपने स्टार का चक्कर लगाने में 5 साल का समय लेता है। अगर हम इंसानों के अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने की बात करें तो आप ये जान लीजिए कि बेशक प्रेजेंट में हमारे पास अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन भविष्य में इंसान इतना एडवांस होगा कि उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और हो सकता है कि आने वाले इंसान प्रोक्सिमा बी पर रहना भी शुरू कर दे। अब अगर हम बात अल्फा सेंटोरी के इतिहास के बारे में करें तो हम आपको बता दें कि धरती पर इस स्टार का जिक्र सबसे पहले टोलेमी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने अपने किताब में किया था, लेकिन उन्होंने अपनी इस किताब में इन स्टार्स को महज एक सिंगल स्टार की तरह ही दिखाया। इन स्टार्स के बाइनरी नेचर का पता सबसे पहले दिसंबर 1689 में जेन रिचर्ड ने लगाया था, जिसके बाद हम लगातार हमारी सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम पर रिसर्च कर रहे हैं और हम अब तक इसके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जाते जाते हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि हम इंसान आने वाले भविष्य में किसी तरह अल्फा सेंटोरी तक अपना पहुंच बनाने में कामयाब हो जाए और हम हमारे रहने के लिए एक दूसरे घर का जुगाड़ कर सके। तो इस स्टार सिस्टम के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।